हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हरे रंग की बच्चों में पॉटी होती है, हरे रंग की जो उसमें स्टूल होता है, ये क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और ये होना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, कब हम नॉर्मल मानेंगे, कब हम अबनॉर्मल मानेंगे, कब अपने डॉक्टर को दिखाना है और कब नहीं दिखाना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूबॉर्न की। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी जो आंतें होती हैं वहां पे बिल्कुल ब्लैक कलर का, टैरी कलर का उसका स्टूल होता है, मतलब जो पॉटी होती है चिपचिपी सी ब्लैक कलर की होती है। ये इनिशियल कुछ 24 से 72 घंटों में ये निकलती है, फिर उसका रंग जो धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है, ब्राउन के बाद फिर ग्रीन हो जाता है, उसके बाद फिर येलो स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चा फुल्ली ब्रेस्ट मिल्क पर है तो उसका जो स्टूल होता है यानी कि उसकी जो पॉटी होती है वो गोल्डन येलो कलर की होती है। तो ये ट्रांजिशन होता है मतलब ब्लैक से गोल्डन येलो का, इसके बीच में ब्राउन भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऐसे होते होते येलो भी हो सकती है, फिर गोल्डन येलो तक ही हो जाती है। तो ये जो इनिशियल फेज है यहाँ पे ग्रीन कलर तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा आपका 1 वीक का हो जाता है, उसके बाद जनरली ये गोल्डन येलो कलर की ही होती रहती है, बीच में कभी ब्राउन, कभी डार्क ब्राउन, कभी लाइट, कभी येलो, हर तरह की, कई तरह की हो सकती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, एक कलर ऐसा है जिसमें आपको चिंता की बात है, वो है ग्रे कलर, बिल्कुल ग्रे कलर। अगर कभी भी ग्रे कलर की पॉटी बच्चे को होती है तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, आपको जो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन उसको जरूर दिखाना है। तो ग्रीन कलर का मतलब कि उसके जो बाइल ट्रैक्ट है, जहां से पित्त बोलते हैं, वो रस जो आता है उसमें ब्लॉकेज है। ग्रे कलर की पॉटी का मतलब कि बच्चे की जो बाइल जहां से आता है इसको पित्त बोलते हैं, वो पित्त वाला जो पीला पिगमेंट होता है उसके रास्ते में कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, रुकावट हो रही है, तो इसलिए आपको उस केस में तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज कोई भी कलर हो नॉर्मल है, इवन ग्रीन कलर भी नॉर्मल होती है। ग्रीन कलर का मतलब दोस्तों बस इतना सा होता है कि अगर ग्रीन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आंतें थोड़ा तेज चल रही है, तेज चलने का मतलब जो चीज अभी थोड़ी देर तक और रहना चाहिए था पेट में वो जल्दी निकल रहा है। उसके बहुत से रीजन हो सकता है बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा हो, उसकी वजह से हो रहा हो, बच्चे को अभी कोई इलनेस हो, छोटी मोटी सी जुकाम सर्दी होगी उसमें भी असर होता है पेट पे, उसकी वजह से हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में है, बच्चे को ठंड ज्यादा लग रही है, या ये सब चीजें होती हैं उनमें हो सकता है। ग्रीन स्टूल का मतलब अगर ब्रेस्ट मिल्क बच्चा ले रहा है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, बहुत जो मेरी बात है बहुत ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, एक एक वर्ड के चेंज से चीजें बदल रही हैं। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, उस पे अगर उसको ग्रीन स्टूल हो रहे हैं तो ये जो कॉमन सी चीजें हैं ये रीजन होता है, इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 1 वीक या 2 वीक से ज्यादा ग्रीन कर रहा है तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन भी हो गया हो सकता है कि उसका जो आते हैं वहां पर कुछ ऐसी इलनेस हो गई हो जिसकी वजह से बहुत तेजी से आ रहा है, इसे आंतों में ऐठन हो जाना या और भी चीजें होना। तो 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर ग्रीन स्टूल होना कोई बड़ा इशू नहीं है, बच्चा जब तक आपका माँ का दूध ले रहा है, फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तब भी हो सकता है। फॉर्मूला मिल्क में दोस्तों एक चीज ये होती है कि फॉर्मूला मिल्क अगर आप पतला बना देते हैं या ज्यादा गाढ़ा कर देते हैं, कंसिस्टेंसी चेंज कर देते हैं, अगर गाढ़ा कर देंगे तो जो बच्चे की पॉटी है वो गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट की कलर की होगी और कभी कभी ग्रे भी हो सकती है। तो आपको डाइल्यूशन का ध्यान रखना है, डाइल्यूशन कैसे करना है, फॉर्मूला मिल्क कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप ऊपर जाइए, आई बटन क्लिक करिए, वो वीडियो देखिए। तो डाइल्यूशन आपका सही होना चाहिए। और ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चे में जो ग्रीन पॉटी होती है उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 2 तरह के होते हैं, फॉर मिल्क और हैंड मिल्क। जो स्टार्टिंग में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पतला होता है, तो पतला होने की वजह से आंतों में वो ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है और जल्दी पास हो जाता है, उस केस में ग्रीन स्टूल हो सकते हैं। और जो पीछे का होता है वो गाढ़ा होता है, उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं। तो हाइंड, अगर किसी बच्चों को आपने पहले एक छाती से पिलाया और वो खाली होने से पहले आपने दूसरी छाती में लगा दिया तो सिर्फ पानी पानी वाला जो कंटेंट है दोनों साइड का वो बच्चे में पहुंच जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा पानी पहुंचने से वो आंतों में जल्दी पास होती है, जल्दी पास होने की वजह से ग्रीन स्टूल हो सकते हैं। तो ग्रीन स्टूल अगर आपके बच्चे को हो रहा है और आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ये चीज जरूर इंश्योर करिए कि एक तरफ जब तक पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी ना हो जाए दूसरी तरफ आपको नहीं लगाना है, एक तरफ एम्प्टी होने के बाद ही आपको दूसरे साइड में लेके जाना है
ताकि जो कंसंट्रेशन है वो सही पहुंचता रहे बच्चे में। अब 6 महीने का आपका बच्चा हो चुका, उसके बाद जो रीजन होते हैं वो अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, 6 महीने के बाद आपका बच्चा, अगर आपने कोई नई चीज उसको इंट्रोड्यूस की, जैसे बच्चे की आते हैं अभी तक तो ब्रश मिल लेने की आदी है, नई चीजें अभी लेने की आदी नहीं है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपने मान लिया कोई डाइट उसको स्टार्ट की, आंतों ने उसको जो रिएक्शन करना है, आंतों का एक रिएक्शन होता है हर चीज को लेके, उसने जो रिएक्शन किया आंतों ने वो सही नहीं किया, ज्यादा इरिटेट हो गई और वो फास्ट मूवमेंट करा दी, तो उससे ग्रीन स्टूल हो सकता है। लेकिन आपको बंद नहीं करना है वो चीजें, आपको वो चीजें कम कम क्वांटिटी में आपको फिर से इंट्रोड्यूस करते रहना है ताकि आंतों को उसकी आदत पड़ जाए। तो अगर आपने बच्चों को अभी कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट किया है, उस टाइम ग्रीन स्टूल हो रहे हैं, तो उसमें ये वजह बहुत कॉमन है। दूसरा ये कि बच्चों को आपने बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर मटर, पिसा हुआ मटर या इस तरह की चीजें आपने बच्चों को अगर दी है जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट है, तो भी हो सकता है, वो भी नॉर्मल है, उसमें तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर एक वजह और होती है इसके बाद, ये होती है कि बच्चा आपका बहुत ज्यादा क्रॉल कर रहा है, बहुत ज्यादा बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, और बच्चा खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गया किसी वजह से, या हाइपर एक्टिव हो गया उसकी वजह से भी, या सर्दी जुकाम हो गया उसकी वजह से भी, जो आंतें होती हैं उनमें थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ जाता है, तो मूवमेंट बढ़ने की वजह से ग्रीन स्टूल आने लगते हैं। तो दोस्तों ये सब तो वजह मैंने बताई ग्रीन स्टूल क्यों क्यों हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकता है, और एक जो कॉमन है इन्फेक्शन वो भी हो सकता है। अब आप कैसे फर्क करेंगे कि ये इन्फेक्शन वाला है या ये नॉर्मल वाला है? देखो दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज तो ये, अगर इन्फेक्टिव होगा, इन्फेक्शन वाला है, तो आपके बच्चे को ग्रीन जो पॉटी है उसके अलावा और भी सिम्टम होंगे, जैसे कि उसको बुखार भी हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, बच्चा सुस्त रह सकता है, फीड कम ले सकता है, बच्चे की जो आँखें हैं या बच्चे की जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन के यानी कि पानी की कमी होने के लक्षण दिख सकते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं, आंखें अंदर की तरफ चली गई, बच्चे का जो मुंह है वो सूखा सूखा है, जो खाल है बच्चे की पेट की और हाथ की उसमें झुर्रियां पड़ गई हैं, तो ये सब चीजें अगर हैं, या फिर इतने ज्यादा हो रहे हैं, दिन में 8 से 10 बार हो रहे हैं, तो ये सब इन्फेक्शन वाले ग्रीन पॉटी की निशानी है। और नॉन इन्फेक्शन वाला अगर होगा तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, खेल रहा होगा, अच्छे से खा पी रहा होगा, बच्चा इरिटेट नहीं होगा, और जब भी आप फीड कराएंगे वो फीड भी ले रहा होगा, फीवर जैसा कुछ नहीं होगा, डिहाइड्रेशन के साइन नहीं होंगे, तो ये सब चीजें अगर हैं तो ये नॉर्मल वाला है। तो सिंपल आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शन वाला लगता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, पीडियाट्रिशियन को दिखाइए जो नजदीकी आपके डॉक्टर हो, और अगर नॉन इन्फेक्टिव वाला है अगर, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी ग्रीन स्टूल बच्चा कर रहा हो, हरी पॉटी कर रहा हो, उस टाइम आपको बच्चे को 1 वीक पे वेट जरूर करवा लीजिएगा पॉसिबल हो तो, क्योंकि वेट से पता लगता है कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल वाला है। और एक जो चीज और आपको देखनी है कि जब भी बच्चा ग्रीन पॉटी करता है उसमें आपको म्यूकस समझते हैं, जैसे कि जब आप नोज स्नीज करते हैं तो एक चिपचिपा चिपचिपा सा जो निकलता है वो म्यूकस है, वैसे ही पॉटी में भी आ सकता है। अगर म्यूकस आ रहा है या ग्रीन स्टूल के साथ थोड़ा सा ब्लड आ रहा है तो ये सब डेंजर साइन है। इसमें आपको घर पे बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है तुरंत। तो दोस्तों ग्रीन स्टूल, ग्रीन पॉटी को लेके मैंने जो डॉट क्लियर किए, हो सकता है आपके समझ में सारी आ गई होगी। और कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको जल्दी जवाब चाहिए तो फिर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको आप फॉलो करिए, वहाँ पर आप कुछ पूछिए, वहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं जिनका रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। और अगर आपको बहुत ही अर्जेंट करनी है कोई चीज़ तो आप मेरा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो आप चूज़ करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और जो भी आपके रिलेटिव हैं या जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको शेयर जरूर करिएगा ताकि काम की जानकारी वो सब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए, देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।